बुधवार वाला दिन, वेडनेसडे, आज की तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आइए आज आपके साथ हम शेयर करते हैं आज का राशिफल। फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो आपको जानकारी आती रहेगी। अगर आपको हॉरोस्कोप की नॉलेज लेनी है तो आप पवन गुप्ता के साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एंड पवन जी बहुत ही मेहनत करके आप तक ये हॉरोस्कोप लेके आते हैं, सो कीप इन टच। तो आइए देखते हैं आज का राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज 2 जून 2021 कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और नक्षत्र जो है वो आज शुभ दिशा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा जो है वो आज कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर के 12:19 से लेकर दोपहर के 2:02 तक जो है वो रहेगा। आज जिन जातकों का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है उनको हमारी तरफ से, पूरे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों से। सबसे पहले बात करेंगे एरिस यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपनी मानसिक शांति के लिए जो तनाव के आपके कारण हैं उनका समाधान आज थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। समय की स्थिति आज आपके लिए काफ़ी बेहतर है। मेडिटेशन करें, लोगों से मिले, आज किसी पुराने मित्रों से भी आज मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। और दोस्तों के साथ शाम को आज किसी प्रकार का प्लान बना सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बिजनेस में आपके नए नए अवसर उसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। दफ्तर में अपनी थोड़ी सी, जो लोग नौकरी में हैं दफ्तर में, अपना थोड़ा सा ध्यान आज रखने की जरूरत रहेगी कि आपका सहयोगी आपके किसी काम में अड़चन डाल सकता है जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। लाभ की स्थिति आज कहीं ना कहीं से आपको बनती दिखाई दे रही है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि आज अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का समय जो है वो शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो कामकाज की स्थिति आज काफ़ी बेहतर और परिवार का सहयोग भी आज आपको पूरा देखने को मिलेगा। किसी न किसी प्रकार की सहायता, परिवार की तरफ से मदद और भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। इन सारी चीज़ें आज आपके जो है ग्रहों में दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा जैसे मैंने आगे भी कहा कि गुस्से पे कंट्रोल ज़रूर रखना है। कई बार क्या होता है कि गुस्से में आकर हम अपनी बहुत सी चीज़ें, बहुत से अच्छे अवसर हम अपने खो देते हैं, तो इन चीज़ों का आज ज़रूर ध्यान रखें। थोड़ा सा सेहत का और गुस्से का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखने की ज़रूरत रहेगी। धैर्य से हर काम होते हैं। अगर जब हम कोई काम जल्दबाजी में करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने का डर लगा रहता है, तो आज कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें तो आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। कामकाज की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आज अच्छी हो सकती है और आपका कोई कार्य जो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा था वो भी आज पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें सफलता मिल सकती है। आगे बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज किसी न किसी प्रकार का हेल्थ का इश्यू, लीवर का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना आपको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम आज आपके आ सकती है। और आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो आर्थिक स्थिति आज कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक कहीं ना कहीं धन लाभ भी आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से पैसा आज मिले और जो आपने बहुत देर से कहीं आपका कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है कि वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट लेके आए। बात करूं सेहत की तरफ से थोड़ा सा आज जैसे मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बस लीवर का और सेहत का ध्यान रखें, बाकी कामकाज की स्थिति अच्छी है, परिवार के साथ अच्छा सहयोग बना रहेगा और जो लोग जॉब में हैं उनको भी आज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बॉस के साथ अनबन आज हो सकती है। आगे बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो पति पत्नी में आज कहीं ना कहीं संबंध मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी अगर चल रही थी तो उसमें भी आज सुधार होगा।
कामकाज की स्थिति आज आगे से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। खर्चों में भी कहीं ना कहीं आज नियंत्रण बनाए रखेंगे और लाभ की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। भाग्य की अगर बात करूं तो भाग्य आपका साथ देने वाला होगा, कोई मनचाही इच्छा भी आज आपकी पूर्ण हो सकती है। शत्रु आप आज आपको तंग नहीं कर पाएंगे, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, पैसा किसी को उधार नहीं देना है। आगे बात करते हैं वर्गों यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो ग्रहों की स्थिति आज काफ़ी लाभदायक रहेगी। आपके लिए नए नए अवसर भी आज देखने को मिलेंगे और मित्रों की सहायता से आज आपका कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ता हुआ कार्य भी आज बन सकता है। चंद्र और बृहस्पति की जो युति है वो छठे भाव में एक मेडिकल फील्ड में ये आपको कुछ लाभ देने वाली ज़रूर होगी। और पति पत्नी में संबंध थोड़े से आज कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं या पार्टनर के साथ आज संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आज आपको रखना पड़ेगा। और छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। आगे बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो कामकाज की स्थिति आज थोड़ी बेहतर और संतान की तरफ से भी आज जो है अच्छे कोई ना कोई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शुभ समाचार संतान की पक्ष से भी देखने को मिल सकते हैं। किसी उनके करियर को लेके अगर आपको चिंता परेशानी आपकी चल रही थी तो आप देखेंगे आज उसका भी आपको कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा। तीन तीन ग्रहों की युति जो है वो आपके भाग्य स्थान में बनी हुई है और भाग्य के लिए आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। किसी मित्रों की सहायता से और कुछ नए नए अवसर देखने को मिलेंगे और आगे काम में बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई दे रही है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और प्रॉपर्टी में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज किया जा सकता है, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आज ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। माता के आशीर्वाद से आपको हर प्रकार से आज लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं, बस जैसे मैंने आगे भी कहा कि कोई भी कार्य करते हैं किसी को अपने भेद ना बताएं, क्योंकि जब आप किसी को अपने भेद बताते हैं तो क्या है कि काम में अड़चने आप देखेंगे अननेसेसरली आनी शुरू हो जाती है। काम में रुकावटें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, इसलिए अपनी खुशी को अपनी जब तक काम ना हो जाए किसी को अपने भेद ना बताएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो स्थिति काफ़ी आज ग्रहों की अच्छी, कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी प्रकार की, कोई कोर्ट कचहरी का या कोई पुलिस केस या किसी इस प्रकार का कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें आज सफलता मिलने के आपको योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी पक्ष से भी आज कहीं ना किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। किसी पार्टनर की वजह से या किसी सहयोगी की सहायता से आज आपका कोई कार्य भी बिगड़ा हुआ बन सकता है, तो भाई बहन भी आज आपकी सहायता को तत्पर रहेंगे। आर्थिक स्थिति आज बेहतर और मशीनरी के कामों से या ऑयल के कामों से जो लोग जुड़े हैं उनको खास किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो स्थिति संतान की पक्ष से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। संतान कई बार हमारे कहने में नहीं रहती है या कई बार हम उनको कुछ चीज़ें समझाते हैं तो वो हमारी बात को नहीं समझते हैं, तो जिसके कारण हम गुस्सा हो जाते हैं, मनमुटाव आपस में हो जाता है। तो कोशिश करें कि मिल बैठ के किसी नतीजे पे पहुँचे, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो अपना पक्ष रखें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि बिना समझे कई बार बातों का जो है वो हल नहीं निकल पाता। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत भी थोड़ी सी कमज़ोर आज रहेगी और चिंताएं परेशानी आज आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति ज़रूर बेहतर हो सकती है। आगे बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करूँ तो आज खर्चे थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनकम भी आज आपको होती हुई दिखाई दे अच्छी रहेगी। इनकम के नए नए अवसर देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। कामकाज की स्थिति बेहतर, आगे से स्थितियां जो है वो बेहतर हो रही हैं। आपने कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, नया कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही लाभदायक रहेंगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर ग्रैब करना चाहिए, ज़रूर ग्रहण करके उनके ऊपर अमल करना चाहिए, तो ये आपके लिए एक शुभ लाभ हो सकता है। आगे बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो ग्रहों की स्थिति आज काफ़ी अच्छी रहेगी। लाभ की स्थितियां भी आज बनी हुई हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। लंबी यात्राएं का भी आज योग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आज किया जा सकता है। शादी के मामले में अगर बात करूं तो आप अगर किसी प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं तो एक आज अच्छा कोई शादी का प्रपोजल भी आज आपको मिल सकता है। लव अफेयर्स के लिए भी समय बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आप अपने लव वन को
प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, तो इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं हो सकता। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।